ओवल शेप में मैंने इस तरह बनाया ये, इसको थोड़ा सा तिरछा लेकर आई हुई ओवल शेप में। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी और यहाँ से नीचे लेकर आई तो हमारा यू बन गया। तो देखिए इसको अगर मैं डबलिंग करूँगी थोड़ा सा उसमें नज़र आएगा आपको यू, ठीक है। अब स्मॉल यू भी सेम इसी तरह बनेगा, थोड़ा सा ओवल शेप में लेकर आई, ठीक है। अब हम आगे वी की तरफ बढ़ते हैं। वी को हम कैसे स्टार्ट लेंगे, वी को हम थोड़ा सा स्टाइल देंगे इस तरह करके, जैसे मैंने यू को स्टाइल दिया था इसी तरह लिया। उसको मैं इस तरह करूँगी, यहाँ से थोड़ी सी तिरछी लाइन डाली मैंने, इसको ऊपर से लेकर ये थोड़ा सा डॉट डाल दिया यहाँ पर, तो हमारा वी बन गया। स्मॉल वी भी इसी तरह बनेगा स्टाइल की तरह, ठीक है। वी बनाया, अब हम बनाएंगे W। W की भी शेप इसी तरह बनेगी V की तरह, थोड़ा सा मैंने इसको स्टाइल दिया इसी तरह लिया, इसको तिरछा थोड़ा सा लिया, फिर इसको ऊपर लेकर आई इसी तरह, दोबारा लेकर आई मैं इसको और थोड़ा सा इस तरह कर दिया, ये हमारा W बन गया। डॉट यहाँ डाला इसको, और स्मॉल W भी इसी तरह बनेगा, थोड़ा सा स्टाइल होने, ठीक है। एक्स बनाएंगे हम, थोड़ा सा स्टाइल लेंगे इसको, उल्टा सी बनाएंगे पहले। देखिए आपको याद होगा मैंने सी बनाना सिखाया था आपको, इस तरह उल्टा सी और थोड़ा फिर सीधा सी बनाएंगे, ये देखिए एक्स, स्मॉल एक्स भी इसी तरह बनाएंगे। अब हम वाई की तरफ बढ़ेंगे, यू की शेप होगी इसकी, जैसे मैंने आपको यू बनाना सिखाया था इस तरह करके। अब मैं इसको नीचे की तरफ नहीं लेकर आऊँगी, इसको ऊपर की तरफ लेकर आऊँगी, ठीक है। वी की तरह हम इसको लेंगे, ठीक है। ये वाई बन गया, स्मॉल वाई भी इसी तरह बनाएंगे यू शेप में, और इसको मैं ऊपर लेकर आऊँगी, लेकिन शेप इसकी ओवल ही रहेगी, ओवल शेप में आएगा ये, ठीक है। अब हमारा लास्ट है जेड। जेड को देखिए मैं थोड़ा सा इस तरह फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह किया, फिर नीचे स्टाइल लेकर आऊँगी और ये एक ही शेप में लेकर आई, इसको इस तरह फोल्ड कर दिया ये मेरा, और यहाँ से डबलिंग कर दी, ये मेरा जेड बन गया, ठीक है। जेड जो है आप इस तरह स्टाइल से भी बना सकते हैं, ये देखें स्मॉल जेड, ये है स्टाइल, एक स्टाइल ये भी है, आप इस तरह भी बना सकते, ठीक है। अब आपको जो अच्छा लगे वो बनाइएगा, मैं तो ये वाला बना रही हूँ, ठीक है, स्मॉल जेड, ठीक है। ये हमारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह। अब हम छोटे छोटे वर्ड्स की तरफ आएंगे, सो जो मैं आपको राइटिंग सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।